गुरुग्राम में साइबर ठग लोगों को फोन कर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए टीके का बूस्टर डोज लगवाने का झांसा दे रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं, ये ओटीपी बताते ही खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। ऐसे में सभी जिलावासियों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड 19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के नाम पर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर उनको आर्थिक चपत लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुरुग्राम जिला में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब फिर भी हम सभी को एहतियातन सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर यादव ने कहा कि साइबर ठग ईमेल मैसेज भेजकर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजा जाता है, फिर आपकी डिटेल भरवा कर लिंक को क्लिक और ओटीपी शेयर करने को कहते। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बूस्टर डोज के लिए कॉल कोई भी विभाग की तरफ से नहीं की जाती, एक मैसेज जरूर जाता है कि आपको बूस्टर डोज ड्यू है और आप अपनी इस जगह या इस सेंटर पर आकर अपनी या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बिल्कुल केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सी जगह शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि अगर आपको कोई बूस्टर डोज के लिए कॉल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है और ओटीपी मांगता है तो ना दें। उसी को देखते हुए भी हमने भी ये डायरेक्शंस जारी करी हैं। हमने अपील इसलिए जारी की है क्योंकि कुछ जिलों में और कुछ देश के हिस्सों में ऐसा रहा है, लोगों से इस बारे में फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर फ्रॉड हुए या उनके पैसे निकाल लिए गए हैं। गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी कॉल करने वाले खुद को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बताते हैं। इसके बाद वे पूछते हैं कि आपको कोविड की दूसरी डोज लगी है या नहीं। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति दूसरी डोज की बात कहता है, इसके बाद बताया जाता है कि क्या आप ओमिक्रॉन से बचाव के लिए तीसरी डोज लगवाने के इच्छुक हैं। हाँ का जवाब देते ही मोबाइल पर साइबर क्राइम करने वाले की तरफ से ओटीपी भेजा जाता है। तत्काल इस ओटीपी को जानने के लिए उधर से कहा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओटीपी बताएं। ओटीपी बताते ही खाते से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बूस्टर डोज के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ओटीपी की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको सिर्फ एसएमएस जाता है हमारी तरफ से, ना ही हम कोई आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं, ना ही हम ओटीपी मांगते हैं। आपको जाकर अपने नज़दीकी सेंटर पर या तो अपना पिछला सर्टिफिकेट दिखाना है या अपना एसएमएस दिखाना है, किसी ओटीपी की ज़रूरत नहीं है, वॉक इन है, आप अपना डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बूस्टर डोज के लिए कोई कॉल नहीं की जा रही है, सभी लोग ऐसी कॉल से सावधान रहें। ये बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित 60 से ऊपर लोगों की उम्र के उन लोगों को लगाई जा रही है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। बूस्टर डोज दूसरी डोज के तकरीबन 9 महीने बाद लगाई जाती है। वह इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की कोई कॉल नहीं किए जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और ऐसी फर्जी कॉल से बचें। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।